जिज्ञासा मन की स्थिति है, लिख के भेजा है गुरु भाई ने। साहब दीदी का साथ, महादेव गुरु की दया, मेरा मन अनुभूत करता रहता है, लेकिन फिर भी मेरे मन की प्यास नहीं बुझ रही है, कृपया दीदी उपाय बताया जाए। देखिए जिज्ञासा नहीं, ये मन की अपनी बात है, अनुभूति है। और अनुभूति ये है कि शिव की दया का एहसास हम करते हैं, साहब दीदी की उपस्थिति का एहसास भी हम करते हैं, उनके प्रेम का भी, लेकिन मन की प्यास नहीं बुझती। और प्रेम का ये गुण है, जितना मिलेगा प्यास उतनी ही बढ़ती है। जिससे हम प्रेम करते हैं वो कहता है कि मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, अगर कह रहा है वो, तो हम उसको कहते हैं और कहो, एक बार और कहो। फिर कहता है आई लव यू, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं और कहो। फिर अगले दिन फिर कहते हैं कि कल जो तुमने कहा था फिर से कहो। एक बच्चा अपने माँ के पास जाता है दौड़ के, माँ कहती है आई लव यू, बेटा कहता है आई लव यू टू, मैं भी तुमको प्रेम करता हूँ। देखिए ये प्रेम एक ऐसी आग है जो पैदा हो जाए, चाहे शिव के लिए हो जाए, साहब दीदी के लिए हो जाए, तो ये प्यास बुझती नहीं है, ये लौ और भड़कती है। और साहब ने यही कहा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, बहुत भीड़ हो जाए, बहुत हंगामा हो जाए, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, चाहे मेरे दिल में जले, चाहे तेरे दिल में जले, लेकिन ये शिष्यता का कि आग जलनी चाहिए, सदैव जलती रहे ये आग। प्यास नहीं बुझना अच्छी निशानी है, मतलब प्रेम है, तभी ना नहीं बुझ रही है। और एक जिज्ञासा, भगवान शिव और गुरु शिव एक ही हैं या दोनों दो हैं? जिज्ञासा आपने सुनी है, भगवान शिव और गुरु शिव दोनों एक हैं या अलग हैं? हैं तो एक ही, क्योंकि शिव के ईश्वर के रूप में ही ये सारे रूप हैं। जैसे एक व्यक्ति के रूप में मेरे आपके भी अनेक रूप हैं, स्वरूप हम लोग का बहुत सारा है। एक इंसान पैदा होता है तो बच्चा है एक, लेकिन वो बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके अनेक रिश्ते हो जाते हैं, किसी का पुत्र है, किसी का पोता है, किसी का भाई है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा युवा अवस्था में आता है, किसी का पति हो जाता है, किसी का पिता हो जाता है। तो जब जब वो जो जो होता है, यानी जब वो बच्चा है तो पिता का भाव सामने आता है, उसके मन में पुत्र का भाव प्रकट हो जाता है। जब वो थोड़ा और समझ में आता है उसको, तो बहन बुलाती है भाई, तो उसके मन में भाई का भाव प्रकट हो जाता है। थोड़ा और युवा हुआ है, विवाह हो गया है, तो पत्नी बोलती है, पति को बुलाती है, तो उसके मन में पति का भाव प्रकट हो गया है। ठीक वैसे ही जब भी हमारे जीवन में कोई रिश्ता आता है, तो सामने जो रिश्ता जिस भाव से आता है, हमारे मन में भी वो भाव प्रकट हो जाता है। जब हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी अब गुरु बना रहे हैं हमने, गुरु यानी सामने गुरु का भाव है, तो शिष्य भाव जो दबा हुआ था जन्म के साथ था, वो शिष्य भाव अब प्रकट हो गया है। तो प्रकट जब होगा भाव, तो वो खोजता है एक दूसरे को। गुरु शिष्य की तलाश करते हैं, शिष्य गुरु की तलाश करता है, और दोनों मिलकर इस तलाश को पूरा कर लेते हैं। ईश्वर के रूप में उस शिव के भी अनेक रूप हैं, अनेक, जितना हम जान सके हैं बस उतना ही हम लोगों ने नाम दिया है, लेकिन असंख्य रूप अभी ऐसे होंगे जिसको हमने जाना ही नहीं है। शिव के तत्व को कौन जान सकता है, बताइए?
मैं एक छोटी सी घटना आपको बोलती हूँ। शिव के तत्व को जानना यानी ईश्वर के तत्व को जानना, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है महेश्वर के तत्व को जानना कितना कठिन है, कितना कठिन है। शिव के शिष्य के रूप में साहब हरिंदानंद जी को हम लोगों ने देखा, सुना, उनका सानिध्य प्राप्त किया। उनके जीवन में मैंने अनेक बार देखा। एक बार क्या हुआ कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन बिना समय लिए रांची, जहां वो रह रहे थे उपवन में, बिना समय पहले से लिए हुए अचानक ही एक बस पहुंच गए और नेपाल से आए थे वो। अब नेपाल कितनी दूर है रांची से, नेपाल से बस से अब रांची आ गए, समय लिया नहीं था उन्होंने पहले से, तो साहब क्रोध में आ गए। क्रोध में आ गए यानी कि वही शिव का भी उग्र और सौम्य दोनों है रूप, क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा कि किससे पूछ के आए, क्यों समय नहीं लिया चले आए, इतने सालों से मैं लोगों से मिल ही रहा हूँ और कह रहा हूँ कि शिव की तरफ चले, लोग चलते नहीं हैं, मुझसे सिर्फ मिलना है। गुस्साते रहे। थोड़ी देर बीता, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा अपने यहाँ रहने वाले लोगों को कि जाकर देखो जरा कि सब अभी खड़ा है कि चला गया। तो लोग जो हैं जाके, दो आदमी यही राजेश जी लोग बैठे हैं, ये लोग गए देखने, तो लौट कर आए तो बोले कि जी अभी तक खड़ा है, साहब पूछ रहे हैं कि क्या वेशभूषा है। ये लोग बता रहे हैं कि जी बहुत लोग तो बिना चप्पल के ही हैं और बहुत साधारण वेशभूषा में हैं, यानी कि गरीब हैं। अब वो कैसे अपने भाड़ा का इंतजाम किया होगा और इतनी दूर यहाँ आया होगा, और बाद में पता चला कि वो लोग सुबह से कुछ खाए भी नहीं है और बज रहा था शाम का 5, सुबह से कुछ नहीं खाया है वो लोग, और कह रहा है कि साहब से जब दर्शन कर लेंगे तब खाएंगे। अब साहब थोड़ा सा और नरम हुए, उन्होंने कहा कि जाके कहो कि पहले कुछ खा के आ जाए, फिर लौट के आया। बोला कि नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग बस खाली साहब को प्रणाम कर लेंगे ना तो जाके खा लेंगे। अब साहब कह रहे हैं कि देखो मुझको सब पे क्रोध नहीं है, और लोग तो निर्दोष हैं, भोलेपन में आ गए हैं, सीधे हैं, चले आए हैं, लेकिन इसका लीडर कौन है, ये सब को लेके आया कौन है, लीडर को जरा खोज के बुलाओ। ये लोग फिर गए, अब लीडर को खोज के बुलाया जा रहा है। जब जो लेके आया था सबको, जब ये लोग जाके उसको बोले कि साहब बोल रहे हैं कि इन सारे लोगों को लेके कौन आया है, तो वो जो लीडर जी थे गुरु भाई वो बड़ा खुश हुए। उनको लगा कि साहब देखिए कितना प्रसन्न हुए इस बात से कि हम सबको लेके आए, एकदम तेजी में दौड़ते हुए आ गए, तुरंत दरवाजे पे तेजी में आए। जब आ गए तो उनको तो कस के डांट पड़ी जो लीडर साहब थे, और बाकी लोगों को साहब ने कहा कि बुलवा लो मैं मिल लेता हूँ। सारे लोग आ गए। अब साहब कह रहे हैं कि जरा जाके पैसा लेके आओ तो 5,000 रुपया, यही राजेश जी को, जरा पैसा लेके आओ तो 5,000। हम लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पे भी गुस्साए थे, खूब गुस्साए कि आप लोग से लोग पूछता नहीं है, ये सब पूछ के गुस्सा उसा लिए। पैसा लेके जब ये लोग आए तो बोले कि तुम लोग देखो सुबह से कुछ खाए नहीं हो और खाली पैर हो, तो सबसे पहले तुम लोग जाओ और खाना खाओ। और इनको बोला गया कि पैसा दो इन लोगों को मेरे तरफ से खाना खाने के लिए। तो ये जब दे रहे देने के लिए बढ़े तो साहब ने कहा लीडर को मत देना, लीडर को नहीं देना है, जो दूसरा कोई बुजुर्ग है उसको दो, वो जरूर ईमानदार होगा। खैर दे दिया गया, बात आई गई हो गई। इस फिर वो लोग खुशी खुशी गए, खाना भी खाए, फिर लौट भी गए। ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं कि सामने देखिएगा तो लगेगा कि वो तो क्रोध में थे, वो तो ऐसा बोल रहे थे या उन्होंने तो गाली दे दी है, लेकिन उसमें हमारा कितना कल्याण है, कितना शुभ है, ये हम नहीं सोचते। तो जब हम एक शिव के शिष्य के तत्व को नहीं जान पा रहे हैं, सोचिए हम कह रहे हैं ईश्वर महेश्वर से हो, उसके तत्व को हम जान सकेंगे।
वो कैसा है, शिव कैसा है, दिखता कैसा है, मिलने पे कैसा होगा, पता नहीं। क्योंकि एक बार चार अंधे जा रहे थे रास्ते में, रास्ते में एक हाथी था। शिव की अवधारणा के बारे में साहब ने जब भी कहा तो उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। रास्ते में एक हाथी था और चार अंधे जिनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था वो लोग जा रहे थे, तो एक ने हाथी के पैर को पकड़ लिया और कहा कि किसी ने कहा हाथी है तो कैसा है, पैर को पकड़ लिया और कहा कि ये जो है शंकु रूप में है, खंभे जैसा है, खंभा जैसा है, मोटा गोल है, खंभा है। दूसरे ने उसकी सूंड को पकड़ लिया, उसने कहा कि ये पाइप जैसा है। तीसरे ने उसके कान को पकड़ा, उसने कहा ये पंखा जैसा है। तो साहब ने कहा कि यही है दुनिया के लोगों की शिव के लिए अवधारणा। जिसने शिव को जैसे पकड़ा, उसने कहा कि शिव कैसा है तो ऐसा है, शिव कैसा है तो महाकाल है। जिसने महाकाल के रूप में दर्शन कर लिया, उसने कहा कि महाकाल है। जिसने महामृत्युंजय के रूप में दर्शन किया, उसने कहा महामृत्युंजय है। जिसने वैद्यनाथ के रूप में दर्शन कर लिया, उसने कहा कि वैद्यनाथ है वो। यानी शिव के जिस रूप से जो जैसे मिला उसको उसी रूप का लाभ मिला। अब उसी शिव के एक रूप की बात साहब ने कही कि शिव से ईश्वर के रूप में आप संपत्ति मांग सकते हैं, धन दौलत मांग सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ों की मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको संभालने का ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या होगा। लेकर संभालने का ज्ञान भी गुरु देते हैं, और अगर वो ईश्वर ही उसी का एक रूप है, जगत गुरु शिव का रूप, तो क्यों नहीं हम लोग उसी शिव को सीधे गुरु मना ले। हम सामान्य लोग हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं शिव ईश्वर के रूप में हम पे दया करेंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। यानी शिष्य ने गुरु की परीक्षा की है, ये 8 वर्षों तक उन्होंने देखा है कि शिव गुरु के रूप में काम करते हैं कि नहीं, वो दया करेंगे कि नहीं। हमारी जो स्थिति है, हमारा जो जीवन है, हम सामान्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, हम शिव के पास अपने मनोकामना को लेकर जाएंगे ही, ये तो हमारा स्वभाव है। मेरे पास संतान नहीं है, हमको चाहिए, महादेव चाहिए। मेरे पास संपत्ति नहीं है, महादेव हमको दे दीजिए, रोटी तो दीजिए कम से कम। हम सामान्य लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति लेकर शिव के पास जाएंगे, ये तो हमारा स्वभाव है। लेकिन शिव गुरु के रूप में उसी मन में, हमारे मन में धीरे धीरे एक चिन्मयी उद्वेलन पैदा करते हैं, एक शुभ विचार भरते हैं, जो धीरे धीरे हमारे मन को शिव की तरफ मोड़ देता है। चले थे दूसरे राह और पहुंच गए कहाँ, शिव ही हमारी मंजिल हैं, शिव ही हमारे रास्ता हैं, गंतव्य हैं, गति हैं, सब कुछ शिव हैं। तो इस रास्ते पे चलने वालों के लिए शिव धीरे धीरे अपने तरफ चलने का परिमार्जन करते हैं, अपने तरफ बढ़ाते हैं। तो ईश्वर के रूप में उन तक पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन गुरु के रूप में शिष्य कोई पात्रता नहीं रखता, कोई योग्य नहीं है, तब भी शिव के पास सीधे पहुंच सकता है। तो ज़्यादा आसान है कि आप शिष्य के रास्ते से, शिष्य भाव से उस शिव के नज़दीक हो सकते हैं। एक अंतिम जिज्ञासा, ये जिज्ञासा गुरु बहन मीना देवी, रूपा कुमारी, धनंजय कुमार, सब लोग इस जिज्ञासा में शामिल हैं। नमः शिवाय से प्रणाम गुरु को 108 की गिनती से करते हैं, क्या एक दो बार अधिक हो जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या? महादेव को और इसी के साथ एक जिज्ञासा इन लोगों का है कि बहुत लोगों को समझाते हैं, बहुत समझाते हैं,
लेकिन फिर भी शिव को अपना गुरु नहीं बनाते हैं, क्या करें? कृपया कुछ भी बताइए। तो पहली जिज्ञासा क्या है कि नमः शिवाय 108 बार करते ज्यादा हो जाए तो क्या करें? महादेव दया करते समय नहीं सोचते कि कितना करना है, लेकिन शिष्य नमन भी करता है तो गिन गिन के करता है, नहीं? अद्भुत सी बात है ये। अगर 108 बार से ज़्यादा कर लेंगे तो और अच्छा होगा कि खराब होगा? और अच्छा है। और 108 की माला जगत के लिए है, लौकिक कामनाओं की पूर्ति होती है उससे। लेकिन शिव के शिष्य, एक छोटी सी किताब है शिष्यानुभूति, साहब हरिंद्रनंद जी के द्वारा लिखी गई है, उसमें उन्होंने लिखा है कि शिव के शिष्यों के लिए अजपा जप की विधि सर्वोत्तम विधि है। क्योंकि अजपा जप की विधि यानी सांस पे नमः का चढ़ाना और शिवाय का उतरना, ये विधि जो है ये सबसे कारगर है और इसकी गिनती आप कर नहीं सकिएगा। जन्म से जो सांस पैदा होते ही होती है, मौत के साथ ही सांसों की माला ख़त्म होती है। तो उसी सांसों पे क्यों नहीं हम शिव का नाम ले लें? श्वास श्वास पर नाम लें, वृथा श्वास ना खोएं। न जाने इस जीवन में फिर इस श्वास का आना हो कि ना हो, कोई नहीं जानता। अगली सांस आ रही है, जा रही है, और अगली सांस नहीं आए तब क्या होगा? इसलिए हर सांस पे शिव का नाम का सुमिरन हो जाए। इस जगत में रहते हुए एक इंसान के जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। अब है बात ये, क्या गिनती करें या ना करें? तो ज़रूर करिए, लेकिन 108 की माला जब होती है तो वो गिनी हुई होती है, तो अलग से आपको गिनती करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें एक सुमेरु बना होता है और वहाँ से जब आप जप करना शुरू करते हैं, और दोनों तरह के जप करने में विधि अलग अलग होती है, ये भी बहुत जगह पे थोड़ा सा लोगों को भ्रम की स्थिति है कि बहुत जगह पे लोग क्या करते हैं कि सांस पे भी नमः शिवाय चढ़ा लेते हैं और माला को भी एक एक दाना आगे करके फिर उसको करते हैं। लेकिन नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करने की विधा या अजपा जप या रुद्राक्ष की माला पे शिव को नमन करना, रुद्राक्ष की माला पे जब हम नमन करते हैं उसका सांसों से कोई लेना देना नहीं होता, मंत्रानुक्रम से होता है वो। यानी एक बार नमः शिवाय मन में सोचा है, शिव को प्रणाम का भाव है, एक बार नमः शिवाय मन में सोचा है और एक दाना आगे, फिर तुरंत दूसरा दाना जब आया है तो फिर मन में सोचते हैं नमः शिवाय, शिव को प्रणाम, मन में भाव शिव को प्रणाम करने का लेकर, और तब करते हैं। और इस तरह पूरी 108 की माला जो गिनी हुई है तो वो हमको गिनना है नहीं, इस तरह से मंत्रानुक्रम से पूरा 108 बार हम नमन करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया मशीन न बन जाए, क्योंकि ये 108 बार जब हम गिनने लगेंगे तो मेरा पूरा ध्यान गिनती पे चला जाएगा, भाव जो प्रणाम का है वो गायब हो जाएगा। लेकिन वही शिव तो लौकिक कामनाएं पूरी हो जाएंगी, इसका भी रिजल्ट है, इसका भी परिणाम है। लेकिन लौकिक और पारलौकिक दोनों सिद्ध हो जाए, इसके लिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप, यानी सांसों पे नमः को चढ़ाना और शिवाय को उतारना। इसमें गिनती भी नहीं है, शुरू में थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन एक दिन अनायास होने लगता है। कितनी बार आप रात में सोते समय नमः चढ़ाते हैं, शिवाय उतरता है और आपको नींद आ जाती है, सुबह जब आप उठिएगा तो आपको महसूस होगा कि ये नमः शिवाय जो सांस पे चढ़ा था वो अभी भी चल रहा है। तो तीनों सूत्र जो हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, शिव से मन ही मन दया की याचना करना, शिव की चर्चा दूसरों से करना, दूसरा सूत्र यानी स्वयं मेरा मन भी शिव भाव से भर जाए और जो सुनता है उसका मन भी शिव भाव से भर जाए, इस निमित्त ये करना, तब तो ठीक है। तीसरे सूत्र में शिव को प्रणाम करना, इसलिए कि शिव को प्रणाम हो जाए, गर नमन हो सके तो ये सौभाग्य है हमारा। अगर उस महादेव को नमन हो जाए तो ये हमारा आपका सौभाग्य होता है।
एक नमन हो जाए तो न जाने कितने जन्म के कष्ट खत्म हो जाएं। लेकिन महादेव को नमन ही तो नहीं होता, क्योंकि सब कुछ है, भाव नहीं है। दया की याचना कर रहे हैं, लेकिन लौकिक कामनाओं के लिए, शिव के लिए नहीं। आज तक हमने शिव के पास जब हम गए हैं, चाहे मंदिरों में गए हों, चाहे शिव की चर्चा भी की है, तो बहुत बार हमारी स्थिति ये होती है कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शिव को चाहते हैं। शिव तुम्हारे पास आए हैं, महादेव तुम्हारे पास आए हैं, लेकिन मेरी ये बात पूरी हो जाती, मेरी ये कामना पूरी हो जाती, इसके लिए आए हैं। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी ने किस कामना को लेकर शिव को गुरु बनाया था? बनाया था शुरू में चमत्कार सीखने के लिए, लेकिन जब उन्होंने अपना बना लिया तो उसके बाद ये कामना भी खत्म हो गई। तो उसके बाद का उनका जीवन ये दिखाता है कि शिव के लिए शिव को चाहा है उन्होंने। हमारे आपके जीवन में भी ऐसा हो जाए कि हम महादेव के लिए महादेव को चाहें, बेटा के लिए हम उसको चाहते हैं, पत्नी के लिए पत्नी को चाहते हैं, उसी तरह शिव के लिए शिव को चाह लें। इतना हो जाए तो ये तीनों सूत्र करने का परिणाम है। ये तीनों सूत्र कृतज्ञ होने का, कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे सुंदर तरीका है। हम अपने शिव को और कुछ नहीं दे सकते। ये हवाएं उसकी, ये पहाड़ उसके, ये धुंध उसकी। इस धुंध में है तो उधर दिखाई नहीं देता, न जाने उधर क्या होगा। नहीं कहते हैं इस पार प्रिय मैं हूँ तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। हम नहीं जानते कि उस पार, जीवन के उस पार वो शिव कैसे मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, लेकिन इस पार शिव मिले हैं गुरु के रूप में। तो आइए हम सब उस शिव को अपना गुरु बनाएं। अब रही बात ये कि आप दूसरों से कहते हैं कि अपना बनाओ, लेकिन नहीं बनाते। अपना बनाने का स्वभाव नहीं है हम लोगों का। तो शुरुआती दिनों में हम कहते हैं कि कम से कम ये तीन सूत्र करिएगा। पहला सूत्र भी कम से कम करिए, दया की याचना। दया की याचना मन को एक दिन समर्पित कर देती है। समर्पण की विधा है ये, भक्ति की अभिव्यक्ति है ये। और दूसरा सूत्र ये है ज्ञान की अनुपम विधा, यानी कि ज्ञान की अनुपम विधा कहा गया है, ध्यान की अनुपम विधा कहा गया है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जो हम कहीं भी रहते हो लेकिन मेरे मन में वो चलती रहती है। पैसा रखा है मेरे पॉकेट में, पैसा नहीं बोलता है कि हम इतना रुपया, इतना सिक्का है आपके पॉकेट में, पर्स है ना रखा हुआ, उसमें क्या क्या है, पर्स नहीं बोलता, लेकिन आपको मालूम है कि आपके पर्स में क्या क्या है, क्योंकि ये पर्स मेरा है, ये रुपया जो मेरे हाथ में है ये मेरा है। तो शिव भी नहीं बोलते कि मुझको अपना बनाओगे कि नहीं। जिस दिन हमारा मन शिव को अपना समझेगा तो हम कहेंगे कि ये शिव मेरा है, मेरा है, तुम्हारा भी हो सकता है। ये बात आज तक के प्रेम की विधा में नहीं आई है। इससे पहले आपने कभी भी किसी से सुना होगा तो उसने यही कहा होगा कि जैसे एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में एक गीत बज रहा है, पत्नी गा रही है, वो गा रही है कि मेरा भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है, मतलब लेकिन वो मेरा है। यानी हम जिसको अपना समझते हैं उसके बारे में कहते हैं ये मेरा है। आप देखिएगा ज्यादातर घरों में जब बेटा बड़ा हो जाता है तब तक माँ उसको बड़ा प्रेम करती है, लेकिन जब बेटे का विवाह होने लगता है तो माँ के दिल में घबराहट होने लगती है, ये बेटा आज तक सिर्फ मुझको खोजता था, मेरा था सिर्फ, अब क्या इसको बांटना पड़ेगा किसी और से। ये घबराहट जो है, यही घबराहट गुस्से के रूप में बदलने लगती है। फिर बेटे का विवाह होता है, अब स्वाभाविक है पत्नी आई है, नया नया प्रेम उमर रहा है तो वो समय देता है ज़्यादा। अब माँ के दिल में जो घबराहट थी कि मेरा जो बेटा मेरा था सिर्फ, ये बंट रहा है, तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि ये सारा गुस्सा उसको बहू पे और किसी कारण से नहीं होता है, ये जो मेरा था वो बंट गया तुम्हारे साथ, ये सारा गुस्सा इस बात के लिए है।
उसको अलग से उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपने सोचा है कि सोचिए शिव के शिष्य की सत्ता, सोचिए शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब की बात। उन्होंने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, लेकिन उन्होंने उतने ही खुले दिल से, उतनी ही खुशी से और उतने ही आह्लादित मन से कहा है कि ये ऐसा है, ऐसा सुंदर है या ऐसा अच्छा है कि ये तुम्हारा भी हो सकता है। आज तक प्रेम में ऐसा नहीं हुआ, बांटा नहीं है प्रेम में किसी ने, वो पूरी तरह चाहता है कि मेरा हो सिर्फ। लेकिन उन्होंने शिव को भी बांट दिया, तीनों सूत्रों जो उनके जीवन में घटित हुए उसको भी बांट दिया। तो हमारा जीवन शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन को जब हम देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि शिव का शिष्य जो होता है वो जगत के स्तर पे सोचता है, क्योंकि उसका गुरु जगत का गुरु है। उस पहाड़ पे ऊपर जाकर अगर नीचे कोई देखेगा तो उसको सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं आपको, आप हमको देख रहे हैं, तो हम भी आपको दिखाई देते हैं, आप भी दिखाई देते हैं। ये जो पुष्प लगे हैं यहाँ वो भी दिखाई देते हैं, ये माइक भी दिखाई देता है। धरती से महादेव की तरफ जब देखते हैं तो धरती की सारी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन जिस दिन मन से, मानसिक रूप से, जिस दिन मन से शिव के तरफ से दुनिया को देखते हैं, कुछ भी शिव के सिवा दिखाई नहीं देता। लगता है हर तरफ शिव ही शिव है, और जिसने शिव को चाहा है, जिसका शिव हो गया है या जो शिव का हो गया है, उसके लिए ये दुनिया प्रिय है, दुनिया के सारे लोग प्रिय हैं। ये दुनिया उसको चाहे या ना चाहे, लेकिन शिव ने चाहा है तो वो भी इस दुनिया को चाहेगा। बैठ के समीक्षा नहीं करेगा कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। रही वही बात रास्ते में छोड़ने और मिलने की, छूट जाता है कोई, मिल जाता है कोई, हम भी कभी छूट जाते हैं, कोई हमसे भी मिल जाता है। लेकिन इस पूरे जीवन में जब से जन्म लिया है, विषयों ने मुझको घेरा, इस पापी मन पे डाला है, इस दुनिया के में जो मौसम चल रहा है उसने अपना घेरा डाल दिया है, तो मन कुछ भी और सोच नहीं पाता है। लेकिन जब से जन्म लिया है, हम अभी से अभी तक में कितने रिश्ते हमारे जीवन में जुड़े हैं, न हम किसी के साथ पूरा जीवन रह सकते हैं, न कोई मेरे साथ पूरा जीवन रह सकता है, लेकिन शिव जन्म से पहले भी थे मेरे साथ, आज भी हैं, और जब मौत आएगी तब भी रहेंगे वही। तो एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा रहेगा, हम उसके लिए कुछ भी नहीं सोचते। हम अपने जीवन के 70-80 सालों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन अपने जीवात्मा की हजारों वर्षों की जो यात्रा है उसके लिए कुछ नहीं सोचते। थोड़ा उसके लिए भी सोच लीजिए, और जिस दिन ये सोच लीजिएगा तो शिव को अपना मानिएगा। दूसरे पराये भले हो जाएं, लेकिन जो शिव को अपना मानेगा उसके लिए कोई पराया नहीं होता, सब अपने हैं। कोई मुझको गाली दे सकता है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई घृणा नहीं, मेरे मन में उसके लिए शुभकामना होगी, क्योंकि शिव के शिष्य के लिए, के मन में दूसरों के लिए कल्याण की भावना होती है, शुभ की भावना होती है। आइए हम सब जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और महादेव के काम के निमित्त, महादेव की असीम दया है कि मौसम ने बड़ी मेहरबानी की है, नहीं तो जिस समय हम लोग यहाँ पहुँचे थे बारिश हो रही थी रात में, और मुझको बड़ा अच्छा लगा जब कुछ गुरु बहन गुरु भाई मिलने आए, तो एक गुरु बहन ने कहा, यहाँ होंगे भी वो, उन्होंने कहा कि मैं रात भर सो नहीं पाई ये सोच कर कि महादेव का कार्यक्रम होना है, कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन भी ऐसा मौसम हो जाए। तो मैंने कहा चलिए, मुझको लग रहा था कि मैं ही सिर्फ जाग रही थी, आप भी जाग रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है साहब को जिस समय ऐसा होता था तो वो इससे ज़्यादा चिंतित हो जाते थे इस बात के लिए कि कार्यक्रम हो या नहीं हो, लेकिन मेरे गुरु भाई गुरु बहन जो आएंगे उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, तो वो रातों को जगे रह जाते थे ऐसे मौसम में, और अगर भोजन नहीं मिलता तो वो खुद भोजन छोड़ देते थे कि जब लोगों को भोजन नहीं मिला तो मैं कैसे खा लूँ, मैं कैसे ये कर सकता हूँ। इतना प्रेम करने वाला तो आज तक मिला नहीं, और शायद दूसरा कोई मिलेगा भी नहीं, दूसरे किसी की चाहत भी नहीं है, क्योंकि जिसने शिव के शिष्य का दर्शन कर लिया है, जिसने शिव के शिष्य की बात सुन ली है,
अब इस दुनिया से कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना ही संकल्प है, कोई प्यार करे ना करे लेकिन शिव को ना भूले। साहब और दीदी की तपस्या जो इतने वर्षों तक हुई है, उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण शिव को समर्पित किया है, ये व्यर्थ ना चला जाए। हम भी इस दुनिया में नहीं होंगे, आप भी एक दिन ना होंगे, आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग शिव शिष्टता की मूल धारा को बढ़ाते रहें, शिव के नाम का दिया जलाते रहें, बस इतनी ही कामना है। और अपने साहब और दीदी से इसी की याचना है कि हम सभी शिव शिष्यों को वो सामर्थ्य दें जो कि वो देते ही हैं, और हम सबके जीवन को शिवमय बनाएं, सुखी बनाएं, कल्याण हो सबका। साहब और दीदी की ऐसी दया हो, महादेव की ऐसी दया हो। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।